साथियों, जावा प्रोजेक्ट में हमने HTML, CSS और जावा की मदद से एक एनालॉग क्लॉक भी बनाई थी और एक हमने डिजिटल क्लॉक भी बनाई थी। क्या हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम एनालॉग और डिजिटल क्लॉक एक ही साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो जानेंगे प्रैक्टिकली इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लॉक देख रहे हैं, इसमें मैंने दोनों क्लॉक एक साथ बनाई है। मैंने अलग अलग भी बनाना बताया, डिजिटल और एनालॉग को, और यहाँ पे मैंने एनालॉग और डिजिटल दोनों एक ही साथ कंबाइन कर दी और कुछ इसका डिज़ाइन भी चेंज किया है। अभी देखो यहाँ पे जो डॉट खिसक रही है, यहाँ पे इनकी डॉट भी इसके साथ ही खिसकेगी और इनका सेकेंड का और यहाँ पे सेकेंड का कम्बिनेशन भी देखो एक साथ कम्बिनेशन हो रहा है इनका, है ना। AM PM भी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो जैसे 12 से क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमारी मिनट की सुई भी खिसकेगी, देखो, है ना। तो इस प्रकार की हम डिजिटल और एनालॉग दोनों कंबाइन क्लॉक कैसे बनाएंगे उसकी कोडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इधर देखो मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया इसका क्लॉक और CSS को लिंक किया यहाँ पे, जहाँ पे CSS को हम हैंडल करेंगे इधर, ठीक है। सबसे पहले हम बॉडी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक तो हमको लेना पड़ेगा कंटेनर, मैं ले लेता हूँ ड्यू क्लास के अंदर एक तो ले लेता हूँ मैं कंटेनर। इस कंटेनर पे तो हम चलाएंगे डिजिटल क्लॉक को और एक हम डिवीजन ले लेते हैं क्लॉक के लिए, उसके ऊपर हम चलाएंगे एनालॉग क्लॉक को। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा, क्लास इक्वल टू क्लॉक, ओके। दो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिए हैं, दोनों को मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसको तो सेव करा देते हैं, CSS पे चलते हैं वापस से हम। CSS में हम सबसे पहले तो बॉडी को डिजाइन कर लेते हैं। बॉडी का जो डिस्प्ले है इसको हम रखेंगे फ्लैक्स। इस प्रकार से अगर मैं कंटिन्यू आपको एग्जांपल दे दे के अगर कोड बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम फटाफट कोड लिख लेते हैं। सेव करा लेते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी देखो हमारा कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर देखो बैकग्राउंड भी लेनी है ना, तो बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम लेंगे इमेज और इमेज हमारी कहाँ पे रखी हुई है उसका हमने URL यहाँ पे पेस्ट कर देना है, किस नाम से वो इमेज रखी हुई है। इमेज है मेरे पास वो वाल के नाम से JPG फाइल है। सेव करा के इधर रिफ्रेश करा लेते हैं तो हमारे पास देखो इमेज आ जाएगी, है ना, छोटी इमेज है। इसको हमने पूरी स्क्रीन पे फैलाना है तो पूरी स्क्रीन पे फैला लेंगे। उसके लिए हम कर देंगे बैकग्राउंड साइज और साइज़ के अंदर हम इसको पूरा कवर करेंगे तो हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कराएंगे तो ये पूरी एक इमेज हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं फैला के दिखाता हूँ, ठीक है ना, पूरी एक इमेज होगी। अब हम बाकी की कोडिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन कंटेनर को, यहाँ से फालतू स्पेस में हटा देता हूँ। हम कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। ये विंडोज़ को थोड़ा सा मैं और क्लोज कर लूँ ताकि नज़दीक नज़दीक आ जाए तो आराम से कोड भी आपको बड़ा नज़र आएगा, ठीक है।
तो इतना डायल तैयार होने के बाद हमको अब इसकी सुइयाँ चाहिए, निडल सुइयाँ भी चाहिए और हमको डॉट्स भी चाहिए। तो उसके लिए हम डायरेक्ट सुई नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे सर्कल लेंगे और सर्कल को रोटेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, वापस से आते हैं इधर और हम यहाँ पे और डिवीजन ले लेंगे। अभी सर्कल नहीं आएंगे, हम यहाँ पे इसकी कोडिंग करते हैं पहले सर्कल के लिए। यहाँ पे हम आ जाएंगे और सबसे पहले लिख देंगे हम सर्कल। सर्कल के लिए वही पोजीशन हम एब्सोल्यूटली लेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, अभी हमने इसको सर्कल बनाना है तो इसका हम रेडियस ले लेंगे। फिफ्टी परसेंट ही रेडियस करेंगे इसका तो ये सर्कल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल हमारे नज़र नहीं आने चाहिए, मैंने आपको बताया है कि ये इस प्रकार से सर्कल बनेगा। हम इनको छुपा देंगे सर्कल को, ये हमारी एक सुई के लिए काम करेगा, फिर दूसरी सुई के लिए, एक तीसरी सुई के लिए, तीन सर्कल लेने हमने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे आगे हमने एक सर्कल लिया था, इसका नाम दूसरा डाल देता हूँ सर्कल टू, और इसको ले लेते मैं सर्कल थ्री। ठीक है, सेव करा देंगे। वापस से हम अभी यहाँ पे आके दूसरा सर्कल लेते हैं, ठीक है, वापस से देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक सर्कल देखो इसके अंदर और आ रहा है। फिर से मैं सेम टू सेम इसी को कॉपी करूँगा, ये हमारा सर्कल थ्री, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी और कम कर देते हैं, 180 कर देते हैं यहाँ पे, सेव करा लेंगे, रिफ्रेश करेंगे इधर, तो ये तीनों सर्कल, ठीक है, तीनों सर्कल हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे हमारे आवर्स की सुई चलेगी, यहाँ पे हमारी मिनट्स की चलेगी और यहाँ पे सेकेंड की चलेगी। ठीक है, तो हम सर्कल को पहले छुपा ही देते हैं। हम यहाँ पे जो हमने लिया है सर्कल, इसको हम कमेंट में डाल देंगे, ठीक है, और कमेंट क्लोज कर देंगे, सेव करा के रिफ्रेश करा लेते हैं। तो देखो हमारे सर्कल नज़र नहीं आएंगे, जो हमारी निडिल बनेगी अब वो निडिल ही नज़र आएंगी। वापस से हम एक बार HTML में चलते हैं और यहाँ पे एक और हम एट्रीब्यूट लगाएंगे। एक तो आईडी हमारी होगी सेकंड की, ठीक है, एक हम आईडी यूज़ करेंगे सर्कल टू के अंदर, हम यहाँ भी करेंगे आईडी मिनट के लिए, और एक आईडी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आईडी आवर के लिए। तो तीनों आईडियाँ हो गई, तीनों को हमने हैंडल कराना है। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूँ मैं इसकी स्टाइल देता हूँ, सेम टू सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से स्टाइल को, और कलर सभी का अलग अलग कर देंगे। मैं इसको कंप्लीट कॉपी करता हूँ, इसमें भी डाल देता हूँ, इसमें भी डाल देता हूँ, और कलर इनके चेंज कर देते हैं हम। Thank you.
डिजिटल क्लॉक इतनी तैयार हो गई, अब हमने इसको एनिमेट कराना है। एक तो हमने ये डॉट है ये सेकंड के साथ फ्लैक्चुएट करें, ब्लिंक करें, और हमारा टाइम यहाँ पे आ जाए, उसके लिए हम स्क्रिप्ट लगाएंगे। सबसे पहले इसको ब्लिंक करा लेते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग क्लॉक बनके तैयार है। हमने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे लिख के बताया, फास्ट फॉरवर्ड मैंने करके वीडियो को दिखाया था। इस पूरे कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे ब्लॉगर पे जाके कोड को कॉपी कर सकते हैं या फिर नोटपैड फाइल डाउनलोड करके ये कोड खुद से देख सकते हैं। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।